हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। हम पढ़ रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर प्लैनेट। और बच्चों, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर शैली गुरवानी, और हम पढ़ रहे हैं बच्चों मूल कॉन्सेप्ट। तो आज की हमारी क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बच्चों। अगर आप क्लास 11th में हैं और आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि हाउ टू फाइंड मूल, मुझे मूल फाइंड करना नहीं आता, मूल से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, तो मैं इस क्लास में आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगी जिनसे आप मूल कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नीट एंड जेईई मेंस। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़ेंगे आज की क्लास को, सारे फॉर्मूले नोट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट मोल कॉन्सेप्ट। सो बच्चों देखो, ये है मिस्टर मोल, है ना, ये इनका फ्रेंड। फ्रेंड क्या बोल रहा है, हे मोल वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो भैया। अभी देखो मोल बड़ा नाराज है, क्या प्रॉब्लम है, आई हैव एन आइडेंटिटी इश्यू, आई नीड टू फाइंड आउट हु आई एम, है ना। इन भाई साहब को बड़ी समस्या है, कभी कोई कहता है मोल का मतलब ये है, कभी कोई कह रहा है मोल का मतलब ये है, कभी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, कभी एंटिटीज के रिस्पेक्ट में, कभी मास के रिस्पेक्ट में, मोलर मास, एटॉमिक मास, फॉर्मूला मास। तो बहुत ही परेशान हो गया कि भाई मोल कैसे फाइंड करना है, मेरा तो आइडेंटिटी इश्यू है। तो इस इश्यू को हम सॉल्व करेंगे, और लास्ट में जाते जाते इन भाई साहब को हम क्या कर देंगे, खुश कर देंगे, है ना, कि नहीं आपका कोई आइडेंटिटी इश्यू नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज मोल। तो बच्चों मोल क्या है, तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि डेफिनेशन ऑफ मोल बताओ, वन मोल क्या है बच्चों, तो मोल की अगर हम बात करें तो बच्चों मोल एक नंबर है, है ना, मोल एक संख्या है। अब संख्या तो तुमको हो गया है, वो गेड्रो संख्या है, मोल एक संख्या कैसे हो सकता है। तो देखो मोल का डेफिनेशन अगर हम दे तो मोल है संख्या नहीं, कहेंगे मैं कह दूं अमाउंट है, चलो अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। अ मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, क्योंकि अमाउंट बहुत ईजी समझ में आ जाता है। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी गिवन मटेरियल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन या ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, कुछ भी, उसका अमाउंट है, है ना, कितना अमाउंट है। तो अ मोल इज अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स, जिसमें क्या होना चाहिए बच्चों, तो उसमें उतने ही पार्टिकल्स होने चाहिए, दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज। अब देखो एंटिटीज मतलब एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, अगर मैं कहूँ राइस है तो राइस पार्टिकल है ना, अगर मैं कह रही हूँ वीट है तो वीट पार्टिकल है, कार्बन है तो उसके एटम है, ऑक्सीजन है तो O2 मॉलिक्यूल्स है। तो एंटिटीज मतलब जो गिवन मटेरियल है उसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, वही चीज मैं बता रही हूँ, ठीक है, वही एंटिटी है, है ना। तो वन मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, कार्बन 12 का 12 ग्राम ले लो, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन अगर मैंने तुम्हें वे करके दे दिया कि लो 12 ग्राम कार्बन है, अब उस कार्बन में सी है मतलब एटम्स है, तो बच्चों उसमें जितने भी एटम है, एक एक एटम को काउंट करो, है ना, उतने एटम उतनी एंटिटीज वन मोल में होंगी, या फिर उसका जो अमाउंट होगा वो उतना ही होगा जितने 12 ग्राम कार्बन में क्या है एटम्स है, उतनी की उतनी अमाउंट, उतनी की उतनी एंटिटीज क्या होंगी उसमें भी होंगी, क्लियर। अब ये क्या है बच्चों, तो देखो एक फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या है, मोल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो मोल के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं, मान लो आपको सब्सटेंस का अमाउंट दे रखा है, 12 ग्राम कार्बन है, ऑक्सीजन है तो 16 ग्राम दे दिया, 32 ग्राम दे दिया, व्हाटएवर कुछ भी अमाउंट दे रखा है, ठीक है, तो मोल क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्लियर। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होना चाहिए बच्चों ग्राम्स में, क्लियर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय क्या करें, तो देखो एटम है तो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। अगर मैं कह रही हूं कार्बन सी, तो कार्बन तो एटम है ना, तो तुम क्या करो एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मोल फाइंड करना है, जो भी अमाउंट तुम्हें दिया है
ठीक है, उसको ग्राम्स में ले लो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं, एटम तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल है। मान लो ऑक्सीजन है तो O2 हुआ ना बच्चों, या ग्लूकोज है तो मॉलिक्यूल हुआ, है ना। तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, ठीक है। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रखा है, नहीं मिल रहा तो आई बटन प्रेस करके देखो, ठीक है। तो एटॉमिक मास, मोलर मास, और मान लो कि मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं मॉलिक्यूल भी नहीं है, आयोनिक कंपाउंड NaCl KCl के भी है, तो वो एक फॉर्मूला है। जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है ना उनको मॉलिक्यूल नहीं बोलते, उनको फॉर्मूला बोलते, तो उसका फॉर्मूला मास। तो बच्चा फॉर्मूला मास, मोलर मास फाइंड करने का तरीका वही है, बट लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास यूज करना है, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल एक सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, एक ही फॉर्मूला, इससे तुम मोल्स निकाल सकते हो, है ना। इंडिविजुअली बताना है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, मोल इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी सब्सटेंस है उसका मास गिवन होगा, और मास किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है। अब मान लो एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है, तो कोई बात नहीं, तो मोल इक्वल्स टू क्या कर देंगे बच्चों, गिवन मास, गिवन मास ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा बच्चों, तो मोलर मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, यानी अगर ऑक्सीजन है, CO2 है, ग्लूकोज है, तो इन सब का मोलर मास यूज करना है। और अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मॉलिक्यूल भी नहीं है, आयोनिक कंपाउंड है, तो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, गिवन मास ग्राम्स में होना चाहिए, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, फॉर्मूला मास, ठीक है भाई। एटम है तो एटॉमिक मास ले लिया, मॉलिक्यूल था तो मोलर मास ले लिया, और आयोनिक कंपाउंड है तो फॉर्मूला मास ले लिया। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो ये मोल निकालने का सबसे सिंपलेस्ट वे है। अब बच्चों हम एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके, अगर आपको याद हो, एट STP, अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करूं या गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर की बात करूं, तो हमने क्या देखा था कि STP पे क्या होता है, तो STP पे आपको पता है वॉल्यूम ऑफ ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, मतलब गैस का जो मास है ना वो मोलर मास के इक्वल ले लो, तो ग्राम मोलर मास ऑफ गैस, तो वो आंसर हमारा क्लियर है बच्चों, वो कितना था, 22.4 लीटर, ठीक है। यानी STP पे अगर मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, देखो मोलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो अगर मैं मास को मोलर मास के बराबर कर दूं, ये दोनों चीजें मैं क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, तो मोल वन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं गिवन मास, मान लो ऑक्सीजन है तो O2, मोलर मास कितना है 32, मैंने वेट भी 32 ले लिया, है ना, 32 ग्राम ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो गिवन मास 32, मोलर मास भी 32, मोल कितना हो गया 1, तो ग्राम मोलर मास मतलब जो मास लेना है गैस का, जो वेट लेना है बच्चों, वो वेट किसके बराबर लेना है, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर, ठीक है। तो उतना वेट अगर मैंने ले लिया, तो उसका जो वॉल्यूम फाइंड किया है वो वॉल्यूम फिक्स है 22.4 लीटर, ठीक है। तो मैं कह सकती हूं कि भाई ठीक है, 1 मोल की अगर आप बात करो, 1 मोल की बात करो बच्चे, तो हम कहेंगे ठीक है 1 मोल में क्या हुआ, तो मैं कह दूंगी 1 मोल में जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम एट STP, ठीक है, गैस की बात चल रही है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस लिख दूं मैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP कितना होगा, तो वो होगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब बच्चों 1 मोल, तो देखो अभी मैंने आपको क्या कहा कि तुम क्या करो, गिवन मास को मोलर मास के बराबर ले लो, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो मोल वन हो जाएगा, तो मैं कह दूं ग्राम मोलर मास, है ना, ग्राम मतलब जो मास है वो मोलर मास के बराबर ले लो, तो मोल वन हो जाएगा। ऐसे तो मैं यहां पे भी कह सकती हूँ ग्राम फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास के बराबर मास ले लिया, तो अगेन मोल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इससे पीछे जो एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट था, गिवन मास को एटॉमिक मास के बराबर ले लो, तो भी मोल कितना हो जाएगा, 1। तो अगर 1 मोल की बात करें, तो 1 मोल क्या होता है, तो हम कहेंगे 1 मोल ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास, यानी भी 1 मोल हुआ। फिर ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम फॉर्मूला मास मतलब भी 1 मोल हुआ, और मैं कह सकती हूं ग्राम मोलर मास, ग्राम मोलर मास का मतलब भी क्या होता है, 1 मोल होता है।
और वॉल्यूम तो इतना है। अब बच्चों साइंटिस्ट है एवोगैड्रो, इनका क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। चलो देखो, ये है हमारे साइंटिस्ट एमिडो एवोगैड्रो, ठीक है, फिजिसिस्ट है, पढ़ाते फिजिक्स थे। कॉन्सेप्ट बच्चों इनका मोल का है, क्या कहना चाह रहे हैं ये, तो देखो एमिडो एवोगैड्रो वॉज एन इटालियन फिजिसिस्ट हु वॉज ऑनर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर हिज मॉलिक्यूलर हाइपोथेसिस इन द गैस लॉ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द मोल इंट्रोड्यूस्ड लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ। अब देखो कहना क्या है इनको, तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि जो मोल है ना, द मोल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 6.02 × 10⁻²³ happens to be the same number of atoms found in 12 ग्राम कार्बन। तो बच्चों आपसे कहा जा रहा है 12 ग्राम कार्बन ले लो, तो देखो 12 ग्राम कार्बन, अब कार्बन की बात करेंगे तो हम C12 ही मानेंगे, है ना, तो 12 ग्राम कार्बन ले लिया C12 का, तो मोल, तो अभी तो हमने फॉर्मूला लिखा था, मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास, गिवन मास किसमें होना चाहिए, ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। नाउ गिवन मास तो कार्बन कितना है 12 और एटॉमिक मास भी कितना है 12, मतलब मोल कितना हो गया 1। अब ये क्या कह रहा है कि 1 मोल यानी 12 ग्राम कार्बन, मतलब मैं कह दूं 1 मोल, तो 1 मोल में कितनी संख्याएं मिलेंगी, कितनी एंटिटीज मिलेंगी, कितने पार्टिकल्स मिलेंगे, तो आपको कहा देखो 1 द मोल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर, है ना, यानी 1 मोल के अंदर कितने नंबर हैं, तो ये है 6.02 × 10⁻²³। क्लियर। नाउ द एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड यू विल सी इट पॉप अप फ्रीक्वेंटली, सो मेमोराइज द नंबर, रट लो उसको 6.02 × 10⁻²³। दिस इज एवोगैड्रो नंबर Na, ठीक है, तो Na क्या है, तो हम कह रहे हैं Na है एवोगैड्रो नंबर, और है कितना वैल्यू 6.02 × 10⁻²³, ठीक है। और क्या कह रहे हैं बच्चों, तो मोल टू मोल कंपैरिजन, यानी 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, जैसे देखो अगर मैं आपसे कहूं 1 dozen, तो बताने की जरूरत थोड़ी ना, अभी 1 dozen एप्पल है तो आप कहोगे 12 एप्पल है, 1 dozen बनाना तो फिर 12 बनाना है, कुछ भी कह दिया 1 dozen, तो डजन आते मैं सोचना बंद कर देती हूँ, डजन मतलब 12, ठीक है, तो फिर मोल आते तुम सोचना बंद कर दो कि मोल आ गया मतलब कितनी संख्याएं हैं, कितने नंबर हैं, तो ये है 6.02 × 10⁻²³। तो बस याद कर लिया, हाँ भाई ये नंबर है, क्लियर। तो अब मैं कह रही हूं तुम्हारे पास 1 मोल कार्बन है और मेरे पास 1 मोल सिल्वर है, तो कार्बन है चाहे सिल्वर है उससे मतलब नहीं है, हो सकता है वेट डिफरेंट हो, लेकिन नंबर जो तुम्हारे पास कार्बन के पार्टिकल है और मेरे पास सिल्वर के पार्टिकल्स है, उनका नंबर, उनकी संख्या क्या होगी, समान होगी, सेम नंबर। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट 1 मोल रिप्रेजेंट्स द सेम नंबर बट नॉट द सेम मास, है ना, तुम्हारे पास कार्बन है तो तुम्हारे पास 12 ग्राम होगा क्योंकि 1 मोल कह रही हूं, और मेरे पास सिल्वर है तो मेरे पास 108 ग्राम होगा क्योंकि मोल का फॉर्मूला है मास अपॉन एटॉमिक मास, तो कार्बन का मास 12 है, मोल तुम्हें 1 करना है तो मास कितना लोगे 12 ग्राम, सिल्वर का एटॉमिक मास 108 है, तो अगर मैंने 108 ग्राम सिल्वर लिया तो मैंने 1 मोल लिया, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास जो 12 ग्राम है कार्बन और मेरे पास जो 108 ग्राम है सिल्वर, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बच्चों, तो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि 6.02 × 10⁻²³, है ना, एंटिटीज लिख देती हूँ, ये फिक्स्ड है कि 1 मोल मतलब इतना नंबर तो होगा, क्लियर। तो अब हम वापस हमारे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे थे हम हमारा फॉर्मूला, तो हमने मोलर मास, फॉर्मूला मास, इन सब के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में भी देख लिया, अब हम देख रहे हैं क्या, तो हम कहेंगे कि भाई नंबर कितना है 1 मोल में, तो एंटिटीज है 6.02 × 10⁻²³ एंटिटीज, क्लियर।
तो अब अगर आपसे कोई पूछे वन मोल, तो तुम कहोगे ग्राम मोलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी गैस का, और एंटिटीज पूछे, पार्टिकल्स पूछे, तो 6.022 इंटू 10^23। कोई डाउट नहीं। अब बच्चों मैं कह रही हूँ एसटीपी पे गैस है जिसका वॉल्यूम 44.8 है। आपको एसटीपी पे गैस प्रोवाइड करा है जिसका वॉल्यूम कितना है 44.8 लीटर। मोल्स फाइंड करो, तो तुमको कोई एक मोल मतलब 22.4, वन मोल मतलब 22.4 लीटर, तो तुम्हारे पास तो 44.8 है, यानी कि डबल चल रहा है। तो डबल चल रहा है मतलब दो मोल हो गया। तो किया कैसे बच्चों? तो सीधा मोल का फॉर्मूला लगाया, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, ठीक है, और वो गिवन वॉल्यूम किसमें होना चाहिए, सो इट शुड बी इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। तो ये एक मोल का फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं कह रही हूं कि मान लो कार्बन पार्टिकल्स है, कार्बन का एक बड़ा बॉक्स है ना, एक कंटेनर है उसमें कार्बन है, और जो पार्टिकल्स का नंबर है दैट इज 12.044 इंटू 10^23। तो बच्चों 6 × 10^23 वन मोल है, और मैं डबल कह रही हूं 12, है ना, अप्रोक्स ले लिया 12 × 10^23, तो भाई 6 × 10^23 इक्वल्स टू वन मोल। 12 × 10^23 मतलब क्या हो गया, 2 मोल। तो आप कर क्या रहे हो, जो गिवन एंटिटी है उसको 1 मोल वाली एंटिटी 6.02 × 10^23 से डिवाइड ही तो कर रहे हैं। तो एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, सो मोल इक्वल्स टू, तो मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज, ठीक है, गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय 6.02 × 10^23, है ना। और ये है क्या, तो मैं कहूंगी भाई ये है एवोगैड्रो नंबर NA। क्लियर? तो बच्चों सिर्फ 5 फॉर्मूले याद रखने हैं, आप मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो देखो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ मोल्स के 5 फॉर्मूले। क्या लिखना है, मोल्स कैसे फाइंड करने, तो देखो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, ठीक है भाई, गिवन मास किसमें होना चाहिए, सो इट शुड बी इन ग्राम्स, ठीक है, अपॉन, तो आप क्या कहेंगे बच्चों, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मोलर मास, और अगर फॉर्मूला है तो इट शुड बी फॉर्मूला मास। तो मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड फॉर्मूला तो हम कहेंगे भी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम तुम्हें दिया हुआ है गैस का लीटर में, डिवाइड बाय क्या कर दोगे 22.4। तो ये वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एंटिटीज संख्याएं दी हुई हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, है ना, तो भी कर सकते हैं बच्चों, मोल इक्वल्स टू गिवन एंटिटीज, ठीक है, तो गिवन एंटिटीज डिवाइडेड बाय क्या कर दो, एवोगैड्रो नंबर, यानी कि 6.02 × 10^23, ठीक है। तो अब मोल को अपनी आइडेंटिटी मिल गई ना शायद, कि हाँ भाई मोल का मतलब क्या है, है ना। अगर मोलर मास के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो ग्राम मोलर मास है, एटॉमिक मास के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो ग्राम एटॉमिक मास है, फॉर्मूला मास के रिस्पेक्ट में पूछोगे तो ग्राम फॉर्मूला मास है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में तो एक मोल 22.4 लीटर है, और अगर पार्टिकल्स का नंबर एंटिटीज के बारे में पूछोगे सो इट इज 6.02 × 10^23। तो थोड़ी थोड़ी आइडेंटिटी तो मिल चुकी है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, देखो एवोगैड्रो ने क्या कहा, ये तो हमने पढ़ लिया। अब बच्चों हमने क्या देखा कि 1 मोल इक्वल्स टू 6.02 × 10^23 एंटिटीज, चाहे पार्टिकल्स हो, एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, या वट एवर कुछ भी दिया हुआ हो, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा सा दिख रहा होगा 1 मोल हाइड्रोजन, तो देखो बच्चों 1 मोल हाइड्रोजन मतलब ये H कह रहा, ठीक है, तो देखो 1 मोल हाइड्रोजन की बात करें और 1 मोल कार्बन की बात करें, ठीक है, या फिर आपसे कहा है 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, ठीक है, 1 मोल CO2 और 1 मोल शुगर, ठीक है, क्लियर। तो वैसे तो ये बराबर नहीं है, लेकिन मोल्स में इक्वल है ना, वेट में देखोगे तो इक्वल नहीं है। तो यहां पे कितने एटम्स है,
तो मैं कहूंगी 6.02 × 10³ एटम्स। तो बच्चों ये एटम्स तो यहां पे भी है, ठीक है। अब यहां मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 6.02 × 10³ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि CO2 अपने आप में मॉलिक्यूल है, ठीक है। और इतने के इतने मॉलिक्यूल 1 मोल शुगर में भी होंगे। तो एटम्स में तो जरूर इक्वल है ना, हाइड्रोजन और कार्बन की बात करो तो एटम्स इक्वल है और इन दोनों के क्या है, मॉलिक्यूल इक्वल है, और बाकी सबका 1 मोल, तो 1 मोल सब में है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि 1 मोल हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1 मोल कार्बन इक्वल्स टू 1 मोल CO2 इक्वल्स टू 1 मोल शुगर, क्योंकि CO2 अपने आप में मॉलिक्यूल है तो एंटिटीज बराबर कहा था, शुगर अपने आप में मॉलिक्यूल है तो भी एंटिटीज बराबर है, और हाइड्रोजन एटम है, कार्बन एटम है, क्लियर। अब आगे चलते देखो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बच्चों, अगर मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है ना, अगर मैं आपसे कह रही हूं कि भाई 1 मोल कार्बन, ठीक है, तो ये तो मोल है, और मैं आपसे पूछ रही हूं कि लो बताओ कितने एटम्स होंगे, है ना, हाउ मेनी एटम्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क रिमूव कर देती हूं, हाउ मेनी एटम्स। तो मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6.02 × 10³, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रही हूं 10 मोल कार्बन, है ना, तो देखो 10 मोल कार्बन, क्लियर, और यहां से पूछ ले लो हाउ मेनी आइटम्स। तो मोल को किसमें कन्वर्ट करना है, नंबर में, तो मल्टीप्लाई कर लो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 6.02 × 10³, ठीक है। लेकिन नंबर को मोल्स में कन्वर्ट करना है तो फिर डिवाइड कर दो किससे, 6, है ना, अप्रोक्स ले लिया 6 × 10³, ठीक है। यानी मैं आपसे कह दूं कि भैया ना मेरे पास 24 × 10³ कार्बन के एटम्स हैं, अब आप बताओ मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो बच्चों एंटिटीज दी हुई है, नंबर दिया हुआ है, डिवाइड किससे कर दो, 6 × 10³ से, तो 24 × 10³ डिवाइडेड बाय 6 × 10³, है ना, तो डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास आ गया भाई 4 मोल होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, नंबर को मोल में कन्वर्ट करना है तो एवोगैड्रो नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम आराम से हो जाएगी, क्लियर। हम आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट। तो देखो एक शॉप पे आए हम, 1 मोल टोमेटो, 1 मोल कैबेज, 1 मोल ब्लूबेरीज, 1 मोल बनाना, 1 मोल पोटेटोज एंड 1 मोल क्लिमेंटीज, कोई चीज होगा अंग्रेज खाते होंगे ऐसा पर्टिकुलर, ठीक है। अब क्या करना है, क्लिमेंटाइंस, ओके। अब बच्चों क्या करना है, ये सब 1 मोल है और हमें बताना है इसमें नंबर कितना है। तो देखो चाहे 1 मोल टोमेटो हो, 1 मोल टोमेटो हो तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई, 1 मोल टोमेटो की अगर आप बात कर रहे हैं तो कितने टोमेटो हैं, तो हम कह देंगे भाई 6.02 × क्या होगा, 10³, इतने टोमेटो है उसके अंदर। अगर 1 मोल कैबेज की बात चल रही है, 1 मोल कैबेज की बात चल रही है तो भी तो इतना ही हो, ठीक है। सिमिलरली 1 मोल ब्लूबेरी है, बनाना है तो बात तो वही है, तो 1 मोल ब्लूबेरी, कितनी ब्लूबेरीज आएंगी। तो बच्चों नंबर सेम है, ठीक है, वेट चेंज हो सकता है, तो हम कहेंगे ये भी तो इतनी है, तो आई थिंक अब नंबर तो याद हो गया होगा, 6.02 × 10³, क्लियर। तो 1 मोल मतलब सेम एंटिटीज, है ना, 1 मोल कुछ भी हो बच्चों, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है, या CO2 हो, एंटिटीज की बात चल रही है, एंटिटीज सेम होंगी, 6.02 × 10³, मतलब 1 मोल कार्बन है तो कार्बन इतने हैं, C इतने हैं, N है तो N इतने हैं, O2 है तो O2 इतने हैं, O नहीं क्योंकि चीज तो आपके पास O2 है ना, तो O2 इतने हैं, ठीक है, और CO2 तो फिर CO2 भी इतने हैं,
क्लियर, एक एक को अलग अलग नहीं करेंगे, सी कितने हैं, ओ कितने, ओ कितने, वो बात की बात है ना। वन मोल सीओ टू मतलब पूरे पूरे सीओ टू के जो मॉलिक्यूल्स हैं दैट इज 6.02 × 10²³। तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में गया मोल कॉन्सेप्ट, चार फॉर्मूलों पे बेस्ड है बच्चों सारे क्वेश्चंस। सो कैसे कन्वर्ट करना है वो भी क्लियर हो गया अब हमारा। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर्मूला तो मैंने बताई दिया बच्चों, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब वन मोल इसको अपनी आइडेंटिटी मिल रही है कि हाँ भाई वन मोल मतलब मैं, ठीक हूं यहां तक तो मुझे पहचानने में आया। अब वन मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम कार्बन। तो बच्चों 12 ग्राम कार्बन कितनी बार देख लिया हमने, देखो 12 ग्राम कार्बन मतलब कितना हुआ, तो मैं कहूंगी गिवन मास 12, एटॉमिक मास 12, यानी 1 मोल हो गया। तो ठीक है भाई 1 मोल इक्वल्स टू 12 ग्राम कार्बन। अब इसके पास जितने पार्टिकल्स होंगे उतने पार्टिकल्स अगर तुम्हारे पास भी है कोई और सब्सटेंस के, तो तुम्हारे पास भी क्या है, 1 मोल है। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई तो हो रहा है, तो आई थिंक पूरा मोल जो है ये खुश हो चुका है कि हाँ भाई मुझे अपनी आइडेंटिटी मिल चुकी है मोल को नंबर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास गिवन हो, मोलर मास गिवन हो, फॉर्मूला मास गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, मैं मोल को फाइंड कर सकता हूँ। और अगर मोल को फाइंड कर सकते हो तो देखो क्या हुआ, वेल आफ्टर ऑल दैट सोल सर्चिंग आई एम अ मोल आफ्टर, glad you discovered how very special you are in chemistry। तो बच्चों मोल केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट है अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मोल को अपनी आइडेंटिफिकेशन मिल चुकी है, किस किस रिस्पेक्ट में है एक बार वापस देख लो। तो हम कहेंगे वन मोल की बात करें तो वन मोल मतलब कितने पार्टिकल, है ना, अगर ये भूल जाए तो आपको याद दिलाना है कि भैया वन मोल मतलब इतने पार्टिकल। गैस आए कि भाई मैं भी वन मोल हूँ, मेरा वॉल्यूम तो बता दो, तो आपको बताना है कि हाँ गैस का वॉल्यूम एसटीपी पे कितना है, अगर वो वन मोल है तो 22.4 लीटर। कोई आइटम आ जाए और पूछे मैं भी मोल हूँ एक, मेरा वेट बता दो, तो उस एटम का एटॉमिक मास निकाल लो, वही वन मोल का वेट है। कोई मॉलिक्यूल आ जाए घूमता घूमता कि भाई मेरा मास बताओ, मैं भी वन मोल हूं, तो तुम्हें क्या करना है, ग्राम मोलर मास, है ना, जो भी मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास निकाल दो और उसको ग्राम्स में लिख दो, वो वन मोल का मास हो चुका है। ठीक है, और कोई आयोनिक कंपाउंड आ जाए बच्चों, मान लो NaCl आ गया कि भाई मैं भी वन मोल हूं, मेरा वेट बताओ, है ना, तो NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, वो फॉर्मूला है, आयनिक कंपाउंड है इसलिए, सो ग्राम फॉर्मूला मास। सो फाइनली मोल भाई साहब को उनकी आइडेंटिटी मिल चुकी है, बड़े दुखी होके आए थे कि भाई मुझे तो अपनी आइडेंटिटी ही नहीं पता, जा रहा हूं मैं, है ना, तो देखो आई हैव एन आइडेंटिटी इश्यू, आई नीड टू फाइंड हु आई एम। तो ये सारे जो फॉर्मूले हमने देखे इससे आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि मोल कैसे फाइंड करना है, और मोल किसी भी रिस्पेक्ट में, है ना, वॉल्यूम एंटिटीज मास किसी भी रिस्पेक्ट में आपको मोल दिया हुआ बच्चों, तो मोल कैसे फाइंड करेंगे। सो आइडेंटिटी इश्यू हमने सॉल्व कर लिया है ना, अब ये खुश, आप भी खुश कि आपको मोल के सारे फॉर्मूले क्लियर हैं। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मोल्स के क्वेश्चन के साथ, ऐसे तैयार करना है कि चाहे नीट का क्वेश्चन हो, जेई का क्वेश्चन हो, आपके नॉर्मल स्कूल बोर्ड एग्जाम्स हो, मोल के क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। मोल केमिस्ट्री का बैकबोन है, आप ट्वेल्थ में जाओ, जेई का कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक ले लो, नीट का ले लो, चाहे जेई एडवांस में ले लो, मोल नहीं आएगा तो फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सो मोल वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूले याद कर लो, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे टफ टफ न्यूमेरिकल्स के साथ, आई थिंक आप आराम से कर लेंगे। सो टिल देन गुड बाय।